कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है, इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं, कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है, और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है, और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। यह संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया, और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ